तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में, और आज बारिश लग रही है सुबह से। कल रात भी मौसम कुछ ऐसे ही था, और मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि सामने के गांव में यहाँ पे लोगों ने कुछ पॉली हाउस खोले हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि गांव में लोग अब इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये ऊपर वाले पॉली हाउस मैंने आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाए थे, और यहाँ ऊपर छत से माहौल कुछ ऐसा है चारों ओर का, पक्षियाँ चहचहा रही हैं। और ऊपर ये हैं बांज बुरांस के पेड़, और बांज के पेड़ पे आजकल नई नई कुपलें आ रखी हैं, जिसको कि हमारे यहाँ बोलते हैं पल्दिया। ये मतलब कोमल सी घास रहती है बांज की पत्तियाँ, जिसको कि गाय भैंस के लिए चारे के रूप में यूज़ करते हैं। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर? तो खेलो गेम्स और अर्न करो मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। बस क्रोम पे टाइप करो www.skillclass.com। हाँ, स्किल क्लास, आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेल के 300-400 रुपये रोज कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात क्या है कि आपको कोई ऐप, कोई APK इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, एस्केप रन जैसे कई मजेदार गेम्स खेलो और पैसे जीतो, और जीते हुए पैसे पेटीएम, UPI या अमेजोन पे में इंस्टेंटली निकालो। पर मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज करता हूँ। और हाँ, क्या आप भी IPL ना होने की वजह से दुखी हो? तो अभी स्किल क्लैश पे जाओ, और वहाँ स्किल क्लैश प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें कि हर वीक एक नए गेम्स के साथ एक नया टूर्नामेंट होगा, जिसे ज्वाइन करके ढेर सारा कैश कमा सकते हो। प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, मतलब यार 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ गेम्स खेलकर पैसे जीत रहे हैं, और आप भी ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा, और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। और अभी करीब 9 बज रहे हैं सुबह के, और मेरी और पापा जी की तैयारी है गिरिया जाने की। तो जी, हम पहुंच चुके हैं अपने नए वाले घर पे, और वैसे का वैसा है जैसे हम छोड़ के गए थे इसको पिछली बार। बस यहाँ इस रूम में थोड़ा बजरी भर दी है, अब पूरा रूम भर गया बजरी से फुल। तो मैंने पिछली बार जब अपने घर को दिखाया था कि हमने क्या क्या बनाया है, तो एक कमेंट आया मेरे को, आपने किचन भी बना दिया, रूम भी बना दिया, बरामदा भी बना दिया, लेकिन आपने टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं बनाया? अब मैंने दिखाया नहीं था, तो आपका बोलना भी जायज़ था। और यहाँ पे ये बनाया है टॉयलेट का पिट, तो नीचे पत्थर लग गया था, तो थोड़ा मतलब गहराई कम है, चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है थोड़ा। तो इस साइड है हमारे टॉयलेट बाथरूम पीछे की साइड, तो ये वाला है बड़ा वाला टॉयलेट प्लस बाथरूम, इसमें इंग्लिश वाली सीट लगेगी, काफ़ी बड़ा है। और ये एक छोटा सा है, इसमें सिर्फ इंडियन वाली सीट लगाएंगे, क्योंकि गाँव में होता ऐसे है कि हर कोई इंग्लिश वाले टॉयलेट को यूज़ नहीं करता है, तो इंडियन भी ज़रूरी है। और यहाँ से है पीछे गैलरी, तो जगहों के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट करा है, मतलब पीछे ऐसे मतलब कर्व था यहाँ पे, तो हमने उस हिसाब से उसको ऐसा नक्शा बनाया कि यहाँ हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। और यहाँ पे एक आया है कालू, कालू ये है पहाड़ी कुत्ते। और एक चीज़ और बता दूँ कि लाइट फिटिंग करवा दी है लगभग, तो ये कुछ ऐसे कटिंग कुटिंग करवा दी है, तो सब कमरों में हमने सोचा है कि यहाँ पे मेन स्विच लगेगा, और यहाँ पे एक 16 एम्पियर वाला पावर स्विच लगेगा, और ऊपर कहीं एक बल्ब यहाँ लगेगा, एक बल्ब शायद वहाँ पे लगेगा, और एक ट्यूब लाइट लगेगी यहाँ पे। तो एक कमरे में 2 बल्ब, एक ट्यूब लाइट, और एक शायद यहाँ पे एक स्विच देंगे नॉर्मल सा टीवी के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, और ऊपर यहाँ पे पंखे का। और कई लोगों ने बोला कि ये जो अब इसके निशान पड़ गए ना टिन के, ये निकलेंगे कैसे? तो होगा इस पर ऐसे कि इसके नीचे से प्लास्टर कर देंगे, तो वो फिर प्लेन हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये यहाँ पे मकान का काम लगा हुआ है, और हम आए हैं इस साइड जहाँ पे हम पत्थर निकाल रहे थे मकान बनाने के लिए। अभी कुछ पत्थरों की ज़रूरत है, तो जिस खेत से हम पत्थर निकाल रहे थे वहाँ पे थोड़ा अभी और पत्थर निकाल देते हैं। और यहाँ पे चल रही है पत्थर निकालने की प्रोसेस।
ये देखिए जी, तो चलिए अब लगते हैं काम पे जरा। तो अभी हमने इतने पत्थर निकाल दिए हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसलिए निकाल रहे हैं पत्थर, हमको कुछ काम के लिए चाहिए, और हम खुद इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग इस पत्थर को निकालने के लिए आए बाद में, क्योंकि अब थोड़ा हार्ड चट्टान लगी है तो सब ने मना करा, तो हमने सोचा हम खुद ही निकाल देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चाय पीने के लिए, थकान लगी है, और घन लगाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि घन से ना किसी के हाथ में भी लग सकती है, तो थोड़ा निशाना सही लगना चाहिए घन का। तो ऐसे खूबसूरत मौसम में चाय मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ अलग है। तो चाय पीने के बाद एक नई एनर्जी सी आ गई है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये काम हम करते हैं अपने गांव में, तो ये गांव में लगभग हर कोई कर देता है इन कामों को, और ज़्यादा लोग करते ही हैं, इसलिए शायद गांव के लोग थोड़ा फिट रहते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमने इतने पत्थर निकाल दिए हैं, लेकिन जो पत्थर हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर से दूसरी चट्टान का दबाव है तो निकल नहीं रहे हैं ढंग से, लेकिन फिर भी इतने बहुत हैं। और मौसम देखिए सुबह से बस ऐसे ही बना हुआ है, और चारों ओर लगे हैं बादल कोहरा। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बादल, क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और भयंकर ठंडा हो रहा है, ऊपर कहीं पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ रही है। तो भाई ने अभी मुझे कहा कि वीडियो की एंडिंग तू कर ले आज, क्योंकि भाई तो बिजी है सुबह से। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरह हरा दिया। ये देखो उसके पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। अब आईपीएल नहीं तो एसपीएल ही सही, खेलें स्किल क्लैश प्रीमियर लीग और कमाएं ढेर सारा पैसा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।